खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी को डबरा की शराब दुकान में देव शरण बंजारे शराब लेने पहुंचा था। यहां चंद्र कुमार चौहान, पंकज चौहान और सोनू चौहान भी पहुंचे थे। इस बीच शराब पीने के वक्त विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि बदमाशों ने शख्स पर हत्या की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद उसे जख्मी छोड़कर मौके से भाग गए। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 307, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया और आज प्रकरण के तीन आरोपी चंद्र कुमार चौहान, पंकज चौहान और सोनू चौहान को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप Facebook यूजर है तो तेज अपडेट के खबर Facebook पेज को फॉलो कीजिए। Twitter और Instagram में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.khabarcgnews.com।